सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 357 केंद्रों पर 27,608 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 9,879 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 17,729 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि सोमवार को 10,000 लोगों को प्रथम तथा 20,000 लोगों को सेकेंड डोज का वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उन्होंने बताया कि जनपद में 73% से ऊपर वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि ओमिक्रॉन का भय चारों तरफ बढ़ रहा है और ओमिक्रॉन अपना दस्तक उत्तर प्रदेश में भी दे दिया है, इसलिए वैक्सीनेशन अवश्य करा लें, जिससे ओमिक्रॉन जैसी बीमारी से सुरक्षित रहा जा सके। इस संबंध में गौरव कुन्नी से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए आज हमारे यहाँ 400 जगहों पर टीका लग रहा है और कल जो है हमारे यहाँ 400 पहली खुराक और 400 दूसरी खुराक का टीका लगाया गया था और आज हमारा लक्ष्य जो है 10,000 पहली खुराक लगाने का है और 20,000 दूसरी खुराक लगाने का लक्ष्य रखा गया है और हम लोग जो है सतत बढ़ते जा रहे हैं और हम अब जो है 73.12% वो आबादी को जो है हम जो है पहली खुराक कोविड टीकाकरण लगा चुके हैं। आपके चैनल से मैं सबसे अनुरोध यही करूंगा कि ओमिक्रॉन का भय चारों तरफ बढ़ता जा रहा है, ओमिक्रॉन ने दस्तक यूपी में भी दे दी है, तो अब हम लोग कब तक इससे अछूते रहेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। अतः मैं सभी गोरखपुर निवासियों से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तत्काल पहली खुराक टीके की अवश्य लगवा लें, जिससे कि हम लोग ओमिक्रॉन से सुरक्षित रह सकें।